नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीएससी योजना में। दोस्तों आज की दिन बात करने वाले हैं विवाह शगुन योजना के बारे में। दोस्तों हरियाणा में विवाह शगुन योजना का जो प्रोसेस है बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले दोस्तों आप सभी को पता होगा विवाह शगुन योजना के पैसे हैं शादी से पहले ही मिल जाते थे, लेकिन दोस्तों इसका जो पूरा प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। इसका जो पोर्टल है वो भी चेंज हो चुका है। अब आपको ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन से पोर्टल से आपको अप्लाई करना होगा, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो और साथ में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दोस्तों आपका बीपी राशन कार्ड बना हुआ है, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको इसमें आर्थिक सहायता मिलती है, किस कैटेगरी को कितनी राशि मिलती है वो सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में मिल ही जाएगी। साथ में दोस्तों आपको स्कीम किस प्रकार से अप्लाई करनी है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जैसे हम नई वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लीजिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसमें दोस्तों हमने ओपन की है shaadi.edisha.gov.in यानी कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपका विवाह पंजीकरण होता है। अभी दोस्तों जो नया प्रोसेस है उसमें आपका पहले विवाह का पंजीकरण होता है, उसके बाद ही आपको स्कीम अप्लाई करनी पड़ती है, फिर आप उसके जो पैसे हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट बना रखा है तो आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक के इस पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे, और अगर आप इसमें पहली बार आ रहे हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपने यहाँ पर यूजर नेम एंटर करेंगे, अपने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे कोई भी, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और अपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। चलिए हम अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपका न्यू पंजीकरण भी आ जाता है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी आ जाता है, और आपका जो भी आपने यहाँ पर पहले पंजीकरण किए होंगे वो भी आपके सामने इस प्रकार से आ जाते हैं। उसके बाद आपने जितने भी विवाह पंजीकरण किए होंगे वो सारे आपके सामने आ जाते हैं। जिसकी भी स्कीम आपको अप्लाई करनी है, जिस भी कैंडिडेट की आपको स्कीम अप्लाई करनी है उसके सामने आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कीम का। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले कंडीशन तो यह रहती है कि जो इसमें आप मैरिज पंजीकरण कराते हैं उसका सर्टिफिकेट बनकर आ जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे डाउनलोड मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, हमारे यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ चुका है, तो आपका वहाँ पर मैरिज रजिस्टर होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसमें जिस भी कैंडिडेट का स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। इसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर ग्रोम की डिटेल आ जाती है, उसके बाद आपकी यहाँ पर ब्राइड की डिटेल आ जाती है, ग्रोम मतलब लड़की की डिटेल और ब्राइड मतलब लड़की की डिटेल। तो जो यहाँ पर जो स्कीम है वो लड़की की तरफ से स्कीम अप्लाई होती है, मतलब जो लड़की होती है उसकी मदर को ही इसके पैसे मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसमें आपकी जानकारी दी गई है, जो इसने जानकारी फैमिली आईडी से फैच की, आप सभी को पता होगा जो इसमें डाटा फैच होता है वो फैमिली आईडी से ही फैच होता है, तो आपकी जो सारी जानकारी है फैमिली आईडी में बिल्कुल सही होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर ग्रोम की टेल नहीं उठाता है, जैसे हमारे केस में यहाँ पर ग्रोम की टेल हमारे सामने नहीं आई है, मतलब दोस्तों जो लड़का है वो आउटसाइड ऑफ हरियाणा है यानी कि हरियाणा से वो नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आई है। ठीक है, तो इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हमें तो मेन तो जो जरूरी है वो यहाँ पर लड़की की डिटेल जरूरी होती है। तो आप एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है, जैसे दिव्यांग वेरीफाइड है, कास्ट वेरीफाइड है, और इसकी जो इनकम है वो भी वेरीफाइड है, और जो उसका मदर का अकाउंट है वो नोट वेरीफाइड है, तो आपको ये वेरीफाइड करना होगा। आपको जितने भी ऑप्शन है सभी को वेरीफाइड करना होगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और अगर आपका यहाँ पर नोट वेरीफाइड ही आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फैमिली आईडी में जाना है और अपनी डिटेल को चेक कर लेना है, अगर कहीं के ऊपर कोई भी गलती है तो आप उसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, क्लिक केयर टू फैच फैमिली डाटा। ठीक है, आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फैमिली नंबर आपके सामने आ ही जाएगा, आप यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो आपका डाटा है वो फैमिली आईडी का फिर से फैच हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी यहाँ पर नोट वेरीफाइड है वो वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज स्कीम देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं विवाह शगुन योजना कैटेगरी वाइज हमारे सामने जो स्कीम आ चुकी है। सबसे पहली हमारी जो कैटेगरी है वो है कि अगर फैमिली की इनकम 1,80,000 से कम है और उनका बीपी राशन कार्ड बना हुआ है,
कास्ट चाहे कोई भी है, अगर आपकी जनरल कास्ट है और आपके पास बी प्लस संकट बना हुआ है तो आप फर्स्ट कैटेगरी चूज करेंगे और स्कीम को अप्लाई करेंगे और स्कीम में आपको 31,000 रुपये की धनराशि सरकार के द्वारा मिल जाती है। उसके बाद हमारे सामने सेकेंड जो कैटेगरी आ जाती है, इसमें अगर कोई वर और वधु में से कोई भी एक दिव्यांग है और उनका बी प्लस संकट बना हुआ है, 1,80,000 इनकम कम है, तो उनको भी 31,000 रुपये की धनराशि मिलती है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे सामने वो है अगर वर और वधु दोनों ही दिव्यांग हैं तो उनको मिलते हैं 51,000 रुपये। और उसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें अगर कोई वर और वधु में से कोई एक तलाकशुदा है तो उसको मिलते हैं 51,000 रुपये। और उसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें अगर आपकी एससी कास्ट है और आपका बीपीएल संकट बना हुआ है, 1,80,000 से इनकम कम है, तो आपको यहाँ पर 71,000 रुपये की धनराशि मिलती है। ठीक है, इस बार से कैटेगरी वाइज आपको ये राशि मिलती है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी के सामने आप टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आएगा, आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी स्कीम साथ के साथ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है कि जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है, या फिर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है जिसने अपनी मैरिज रजिस्टर किसी और से करवा रखी है और स्कीम वो आपसे अप्लाई करना चाहता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ एप्लीकेशन का। ठीक है, आपको यहाँ पर स्कीम एप्लीकेशन चूज करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट पूछेगा, तो हमारे यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो हम यस पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो जितनी भी तमाम जानकारी है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ जाता है कि उन्हें किसी और से मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रखी है और आपके पास स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस मेथड के माध्यम से वो स्कीम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने दो आपको प्रोसेस बता दी है, इस प्रोसेस से आप यहाँ पर स्कीम को अप्लाई कर पाएंगे। और अब दोस्तों बात आ जाती है कि हमने जो स्कीम है वो भी अप्लाई कर दी है और अब हमें स्टेटस चेक करना है तो वो हम किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर गेट रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी स्कीम का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्कीम का स्टेटस चेक। अब दोस्तों बात आ जाती है कि हमने स्कीम तो अप्लाई कर दी, लेकिन दोस्तों जो स्कीम के जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो हमें कहाँ पर जाकर सबमिट करवाने होंगे, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी हार्ड कॉपी को जमा करवाना होता था, लेकिन दोस्तों अब जो नया प्रोसेस है इसमें पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है, आपको कहीं पर भी जाकर कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर दोस्तों आपके फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका लगातार रिप्लाई करते रहते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, वीडियो हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।